बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में हमने अपने पर्सनल सेटिंग्स को चेंज करने का तरीका सीखा था, और व्यूवर्स अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में अपनी साइट या अपनी ब्लॉग की सेटिंग को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। व्यूवर्स, आपकी साइट या आपकी ब्लॉग की सेटिंग्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप कंट्रोल करते हैं कि आपके व्यूवर्स जब कमेंट्स इंटर करते हैं, आपके वेबसाइट या ब्लॉग के विजिटर्स जब उसमें कमेंट्स इंसर्ट करते हैं, तो उन्हें क्या क्या प्रिविलेजेस या क्या क्या राइट्स हासिल हैं। आप अपनी साइट को गूगल में जो है वो सर्च करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, आप अपने जो साइट के विजिटर्स हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन किस हद तक जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम साइट सेटिंग में ही डिसाइड करते हैं। तो व्यूअर्स, साइट सेटिंग तक जाने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पर जो आपको मेन्यू नज़र आ रहे हैं उसमें से आप सेटिंग के मेन्यू पर क्लिक कीजिए। जब आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम सेटिंग्स जो हैं वो उस सेटिंग के टैब के नीचे आपको नज़र आने लगेंगी। यहाँ हम देखें अगर तो सेटिंग के नीचे आपके पास, सेटिंग के अंदर आपके पास बहुत सारी जो है वो सेटिंग्स हैं, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, प्राइवेसी, ओपन आईडी वगैरह। इनमें से चंद एक का हम जो है वो जायजा लेते हैं। बाकी व्यूवर्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन सेटिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि ये सेटिंग्स क्या हैं। ये इंतहाई सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड से सेटिंग है जिनको आप जो है वो सेट कर सकते हैं अपने साइट के प्रेफरेंसेस के हिसाब से। मसलन सबसे पहले हम जनरल सेटिंग की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, जनरल का टैब ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है सेटिंग में। तो व्यूवर्स, हम देखते हैं कि जनरल सेटिंग के तहत हम क्या क्या सेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। व्यूवर्स, पहली चीज़ है आपका साइट टाइटल, और वो है आपका साइट टाइटल है टैली ट्यूटोरियल। व्यूवर्स, मैं इस वक्त आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो टैली ट्यूटोरियल की जो साइट है या जो ब्लॉग है उसमें हमारे टाइटल क्या आ रहा है। मैं इसे एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि जो सेटिंग हम यहाँ पर इम्पोज करेंगे वो किस तरह से हमारे ब्लॉग को बेसिकली इफेक्ट कर रही होंगी। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पर दिखे हम तो यहाँ पर टैली ट्यूटोरियल आपको आपका साइट टाइटल नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये टाइटल टैली ट्यूटोरियल ना हो बल्कि कुछ टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मीनिंगफुल किस्म का टाइटल भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अ ब्लॉग फॉर लर्निंग टैली। और व्यूअर्स, अगर मैं इस सेटिंग को इतना करने के बाद सेव कर लेता हूँ, चेंजेस को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने उस ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे वो सेटिंग्स जो मैंने अभी अपनी वेबसाइट की सेटिंग में मैंने अपना चूँकि टाइटल चेंज किया तो वो टाइटल यहाँ पे भी डिपिक्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी मुझे वो वैसा ही नज़र आना चाहिए। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब की बार जो हमारा टाइटल का जो टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है, अ ब्लॉग फॉर लर्निंग टैली अब इसका नाम हो चुका है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आप नीचे देख रहे हैं टैग लाइन है आपके पास जस्ट अनदर wordpress.com साइट। बेसिकली ये वो लाइन है जो आपको यहाँ पे अपने अपने ब्लॉग में राइट साइड पे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि ये जो है आपको टैग लाइन नज़र आए, तो आप इस टैग लाइन को चेंज कर देते हैं। आप टैग लाइन इंसर्ट कर सकते हैं द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग टैली, और इसको आप सेव करेंगे तो व्यूअर्स आपकी वो सेटिंग जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको वो नज़र आने लगेंगी। और व्यूअर्स, अब हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आप वो ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें तो ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आपका टाइम जोन है। टाइम जोन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जब कोई पोस्ट इंटर करते हैं, नई कुछ चीज़ ऐड करते हैं, अपने ब्लॉग को अपडेट करते हैं, तो उसका जो टाइम वो लेगा ब्लॉग वो बेसिकली आपके टाइम जोन के मुताबिक ही अडॉप्ट करेगा। तो व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन करके कराची को, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ कराची का टाइम जोन जो है इसमें ऐड किया गया है। तो व्यूअर्स, मैं अपने कराची के टाइम जोन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, आप डेट फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप पोस्ट ऐड करें तो उसके साथ जो डेट इंसर्ट हो वो किस फॉर्मेट में आप एंटर करना चाहेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अपनी मर्जी की डेट फॉर्मेट भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका वीक कब स्टार्ट होता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में मंडे से वीक स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है वो हफ्ते वाले दिन से यानी सैटरडे के दिन से भी वीक स्टार्ट होता है। लैंग्वेज भी व्यूअर्स, यहाँ जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे बेसिकली वो आपके ब्लॉग की लैंग्वेज होगी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि पहले हमने जब पर्सनल सेटिंग्स चेंज की थी वहाँ पे भी लैंग्वेज का ऑप्शन था, लेकिन वो लैंग्वेज ऑप्शन अवेलेबल था हमें हमारे इंटरफेस के लिए यानी डैशबोर्ड के लिए या कंट्रोल पैनल के लिए, लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो ब्लॉग के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप यहाँ से वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो जिसमें आप अपने ब्लॉग को क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आप इन सेटिंग्स को सेव कर देते हैं। और व्यूअर्स, इसके बाद हम देखते हैं अपने सेटिंग्स के दूसरे टैब को जिसमें हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं।
व्यूअर्स, सेटिंग के पैनल में आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। आप राइटिंग के जो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइटिंग से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे, तमाम सेटिंग्स आ जाएंगी। व्यूअर्स, इसमें पहला ऑप्शन है साइज ऑफ द पोस्ट बॉक्स। इससे क्या मुराद है व्यूअर्स, जब आप एक न्यू पोस्ट एंटर करना चाहते हैं अपने साइट में, अपने ब्लॉग में, मसलन मैं यहाँ पे पोस्ट के मेन्यू में से एड न्यू पोस्ट पर जब क्लिक करता हूँ, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमारे पास पोस्ट को लिखने के लिए, पोस्ट को राइट करने के लिए जो जगह आती है उसमें बेसिकली हम 20 लाइंस तक इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहां मैं अपनी पोस्ट एंटर करूंगा, और आप देख रहे हैं कि ये जगह कितनी है। व्यूअर्स, ये जगह बेसिकली अगर हम इसकी लाइंस काउंट करें तो ये 20 लाइंस तक की पोस्ट हम एंटर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग में जो पोस्ट एंटर हो उसकी साइज, उसकी लेंथ ज़्यादा हो या कम हो, तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास ऑप्शन है कि कन्वर्ट इमोट आइकन्स लाइक टू ग्राफिक्स डिस्प्ले। जी हाँ, अगर आप व्यूअर्स ऐसे इमोट आइकन इंसर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो ग्राफिक आइकन्स में कन्वर्ट हो जाएं, जैसे स्माइली या कन्फ्यूज किस्म के आइकन जो आप चैटिंग के दौरान इस्तेमाल किया करते हैं ज़्यादातर, तो वो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर दीजिए, तो आपके जो ये टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इमोट आइकन्स में। और उसके बाद व्यूअर्स, आपकी यहाँ पे ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। बेसिकली अभी तक हमने अपनी कैटेगरीज जनरेट नहीं की हैं, बाद में आगे चलकर हम कैटेगरीज जनरेट करना सीखेंगे। जब आप कैटेगरीज जनरेट कर देंगे तो एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो जब भी आप नई पोस्ट एंटर करने लगेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक कैटेगरी पहले तो जो सिलेक्टेड होगी उसी में वो पोस्ट जो है वो कोशिश करेगी कि वहाँ पर पोस्ट हो जाए, लेकिन आप उस सेटिंग को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट भी, आपके पास तीन किस्म के जो हैं वो फॉर्मेट हैं, स्टैंडर्ड, असाइड और गैलरी। ये आप अपने पोस्ट के हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस किस्म की कोड इंसर्ट पोस्ट जो है वो लगानी है, इमेजेस लगाने हैं या टेक्स्ट इंसर्ट करना है। उसके बाद व्यूअर्स, डिफ़ॉल्ट लिंक कैटेगरी में भी आपके पास अभी सिर्फ एक ही ब्लॉग रोल कैटेगरी मौजूद है, और आप आगे चल के ये कैटेगरीज भी जनरेट करना सीखेंगे। व्यूअर्स, उसके बाद आपके पास प्रेस डिस्क का ऑप्शन है। ये ऑप्शन इंतहाई काम का है। बेसिकली अगर आप चाहें कि आपके ब्लॉग में एक ऐसा बटन हो जिसको दबाने से आपका ब्लॉग या आपका वो पोस्ट ऐड हो जाए उस यूज़र के ब्राउज़र में फेवरेट के तौर पे, तो आप इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इन दो पोस्ट बाय ईमेल और पोस्ट बाय माय ब्लॉग्स के ऑप्शन को जो डिटेल से देखना पड़ेगा। तो इसके बाद व्यूअर्स, आप इन चेंजेस को सेव कर देते हैं। व्यूअर्स, हम अपने सेटिंग्स में से दो मेन सेटिंग्स को जो है वो चेंज कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्यूअर्स हमारे पास मज़ीद कैटेगरीज कौन सी हैं। हमारे पास व्यूअर्स रीडिंग की कैटेगरी मौजूद है, डिस्कशन की कैटेगरी मौजूद है, तो हम रीडिंग की कैटेगरी को देख लेते हैं पहले। व्यूअर्स, रीडिंग की कैटेगरी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मसलन पहला ऑप्शन है आपका फ्रंट पेज का। व्यूअर्स, आप क्या चाहते हैं कि आपके ब्लॉग का जो मेन पेज है या इंडेक्स पेज है या जो होम पेज है वो एक ही रहे, या आप चाहते हैं कि जो आप लेटेस्ट पोस्ट एंटर करें वो आपके जो है वो मेन इंडेक्स पे आए, तो यहाँ से आप वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने चूंकि पेजेस ऐड नहीं किए इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को, ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज जब हम पेजेस ऐड कर लेंगे तो हम फिर स्टैटिक पोस्ट या स्टैटिक पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेज या कौन सा पोस्ट पेज हमारा जो है वो इंडेक्स के तौर पर नज़र आए हमें। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10। जी हाँ, यानी आपके एक पेज पे आपके मैक्सिमम जो पोस्ट नज़र आएंगी वो 10 पोस्ट नज़र आएंगी। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास सिंडिकेशन फीड्स। सिंडिकेशन फीड्स क्या होते हैं व्यूअर्स? बेसिकली आपने RSS फीड का नाम शायद सुन रखा हो। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप सब्सक्राइब कर देते हैं किसी वेबसाइट को, और उस वेबसाइट पर जो भी अपडेशन होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप RSS फीड का ऑप्शन यूज़ करें और कुछ साइट्स को लिंक कर दें अपने इस ब्लॉग के साथ, और उन साइट्स में जब भी कोई अपडेशन हो तो आपके यहाँ पर ब्लॉग पर ज़ाहिर होने लगे, तो आप इस सिंडिकेशन फीड शो को जो है इसमें आप एंट्रीज यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी एंट्रीज या कितनी आइटम जो है वो पर पेज नज़र आने चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास एक और ऑप्शन है, ये एड ईच आर्टिकल इन योर फीड। आप जब आर्टिकल ऐड करेंगे तो उसके आपके पास तीन ऑप्शन, आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, टैग वाइज कर सकते हैं, और कमेंट काउंट के बेस पे भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, उसके बाद ईमेल सेटिंग है आपके पास। जब आप अपना एक ब्लॉग बनाते हैं तो आप उसके एडवर्टीजमेंट के लिए आप उस ईमेल सेंड करते हैं अपने ब्लॉग के जरिए, तो ये वो टेक्स्ट है जो आपके ईमेल में जाएगा। आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और व्यूअर्स, इसके बाद हम इसे चेंज सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स, इसी तरह से आप बाकी के तमाम ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे, लेकिन मैं चंद एक ऑप्शंस को मज़ीद चेक करूंगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की सेटिंग्स हैं। मसलन मैं डिस्कशन के ऑप्शन को चेक करता हूं व्यूअर्स, और अगर हम डिस्कशन के
बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारे चेक बॉक्सेस आते हैं, लेकिन ये बहुत सीधी सीधी सी बातें हैं जिनको आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि आपको किन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और किन ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। मसलन जब आपके यूज़र आपके पेज पे कमेंट करे तो क्या आप चाहते हैं कि वो जो है उसको ईमेल और अपना नाम वगैरह ज़रूर एंटर करना पड़े, या आप चाहते हैं कि वो यूज़र ही कमेंट कर सके जो कि आपके ब्लॉग पे लॉग इन हुआ है यूज़र के तौर पर, जिसने अकाउंट बनाया हुआ है आपके ब्लॉग पे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स आर्टिकल्स ओल्डर देन 40 डेज। अगर आप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि जी हर 5 दिन के बाद जितने भी पुराने जो आपके पोस्ट हैं वो क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे आप वो डेज डिसाइड कर सकते हैं जिनके बाद वो आर्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह व्यूवर्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल मी वेन एवर, यहाँ पे आप चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं, जब भी कोई कमेंट पोस्ट करे तो आपको ईमेल आए, और जब कोई मॉडरेशन हो उस वक्त आपके आपको ईमेल मौसूल हो, या जब आपके ब्लॉग को कोई सब्सक्राइब करता है उस वक्त जो है वो ईमेल आपको मौसूल हो, या जब कोई आपको आपकी पोस्ट को लाइक करता है तो उस वक्त आपको ईमेल मौसूल। इसी तरह व्यूवर्स आप इन तमाम ऑप्शंस को रीड आउट करके डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूवर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो यहाँ पे वो मौजूद है ब्लैक लिस्टिंग का। बाज़ औक़ात किसी एक स्पेसिफिक आईपी से आपको बार बार फजूल किस्म के कमेंट्स जो हैं वो भेजे जा रहे होते हैं, तो आप उस आईपी को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, यहाँ पर उन तमाम आईपीज को एंटर कर देंगे, तो वो आईपीज आपके ब्लॉग पे किसी भी पोस्ट पे कमेंट करने के काबिल नहीं रहेंगे। व्यूवर्स इन सब सेटिंग्स को देख लेने के बाद आप सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद व्यूवर्स लास्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है सेटिंग्स के हवाले से, साइट सेटिंग के हवाले से, वो है आपकी वेब ब्राउजर्स और आपके सर्च इंजन्स के हवाले से। तो व्यूवर्स यहाँ पर हम इस प्राइवेसी के ऑप्शन को व्यूवर्स सेलेक्ट करते हैं, और जब हम प्राइवेसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक पेज पर 3 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि कोई भी आपके ब्लॉग को विजिट कर सके और उसमें सर्च इंजन्स भी शामिल हों, या आप चाहते हैं कि सर्च इंजन ब्लॉक हो जाएं और आपके जो आपका ब्लॉग है या आपकी साइट है उसे विजिट ना कर सकें, उसे ना देख सकें, या आप चाहते हैं कि आप ऐड कर दें कुछ कस्टमर्स को, या कुछ अपने जो है आप अपने पसंद के यूज़र्स को जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप आई वुड लाइक टू माई ब्लॉग टू बी प्राइवेट इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सूरत में व्यूअर्स आप सिर्फ 35 यूज़र्स ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपको एडिशनल यूज़र्स ऐड करने हो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा वर्डप्रेस को, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है वो ना सिर्फ कोई भी विजिटर देख सके बल्कि सर्च इंजन भी उसे सर्च आउट कर सके। तो व्यूअर्स इन तमाम सेटिंग्स को चेक करने के बाद आप सेव कर देंगे।